स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। आज आप सोच रहे होंगे आज मैं कैसे हूँ, तो मैं बता दूँ आपके चहेते का आज बर्थडे है। आप सब मिस कर रहे होंगे, ये देखो ये आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वाह क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है मैं आज 32 साल का हो गया हूँ, बट हालांकि मेरे को इतनी एक्साइटमेंट नहीं है, बट होता नहीं है, ब्लॉग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सो उसी कॉन्फिडेंस के लिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। ये सबसे एंड में खोलूँगा। तो सबसे पहले मेरी साली साहिब आने, अभी हमारी मैरिज को होने वाले हैं कुछ 1 साल, 9 महीने या 10 महीने हो चुके हैं। सो उसमें जितने भी हमने ट्रिप्स लिए हैं, जितने मोमेंट्स एंजॉय करे, सो उसका एक कोलाज साली ने किया है। ये देखो गाइस, आई मीन इट्स ब्यूटीफुल, मतलब इसमें कला, ये एक ऐसा कोलाज है ठीक है, जिसमें सारे के सारे मोमेंट्स है, करवा चौथ से लेके ठीक है, ट्रिप से लेके, केदारनाथ से लेके, ट्रैकिंग से लेके, शादी से लेके ठीक है, सैटरडे संडे वीकेंड्स की जो आउटिंग होती है वो सारी की सारी है। सो या इट्स प्रेशियस, ये इसको देख के मेरे को बहुत मजा आया, सारे मेमोरीज इसके अंदर है ना। ये देखो ये पूजा के बर्थडे का है ठीक है, ये हमारे एंगेजमेंट का है, ये दिवाली का है ठीक है, ये करवा चौथ का, ये देखो है ना, ये सारे ये हमारा फर्स्ट ट्रिप केदारनाथ का। वाओ देखो एक ज्योतिर्लिंग का भी आ गया इसमें एक है ना। ये देखो ये देखो, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ठीक है। ये वाला जो है ये क्या बोलते हैं, करवा चौथ का, ये वाला है दिवाली का, ये वाला है हमारी सगाई का ठीक है, और ये वाला है पूजा की बर्थडे का, ये वाला भी हमारी सगाई का, देख सकते हो कोट और ब्लेजर एक जैसे है, ये केदारनाथ का है, ये हमारी ऐसी वीकेंड्स की आउटिंग होती रहती है, ये हम एक कंसर्ट में गए थे, और ये भी करवा चौथ का है ठीक है। तो ये साली की तो बात ही कुछ और होती है भैया, जैसे प्रिया है ना वैसे इसने बहुत सुंदर गिफ्ट दिया, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर गिफ्ट यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला गिफ्ट देख के। आप तो साली साहिब पे तो बहुत मेहरबान हो गए, मम्मी पापा भी तो कुछ लाए इधर लिए, देखो मैं इधर क्या लाई हूँ, देखना खोलना है ये बॉक्स में क्या है? ये बॉक्स में मम्मी और पापा का गिफ्ट है, आप खोल के देखो। सो ये है सास का गिफ्ट, देखते हैं इसमें क्या है क्या वैसे बता दे, देख लो आपकी बहुत यूजफुल चीज है, देखो तेरे ससुराल के हेड ऑफ द फैमिली ने क्या गिफ्ट किया तुझे। Egg? Yes. Egg. Oh my no, God. This is not egg. This is egg maker, egg boiler. अब इसके बाद ज्यादा एक्सप्लेन मत कर, because today is Tuesday हुआ। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं ठीक है, उन्हें ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है ये अंडे बनाने का, अंडे बनाना नहीं बॉईल करने का, अंडे बॉईल करने का, एग बॉयलर है ये, एग बॉयलर, क्विक एग बॉयलर। वाओ इसमें अब आपको बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किचन में भागना पड़ेगा, ना बर्तन ढूंढने पड़ेंगे, वाओ रूम में सारा काम हो जाएगा। यस अब थैंक यू सो मच सासू माँ इस चीज के लिए, मतलब ये मेरी बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। yes. दिन के 14, आज मंगलवार है बोलना तो नहीं चाहिए, बट दिन के 14 से 15 अंडे है, पता ही चलते कहाँ गए, ये मेरी आ जाएंगे उसमें, आ जाएंगे इसमें। yes. कितने आएंगे सो दिस कुर्ता लुक्स रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच मम्मी। किसकी तो बता पहले, किसकी चॉइस है? चिकन चिकन लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्रिंस लग रहा है, प्रिंस पूरा बहुत सुंदर, मेरे बेटे को नजर ना लगे, मेरी नजर का टीका तो लगा दी जरा। ये वाला जो कुर्ता है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, पार्टी वेयर है, पता नहीं आपने मुझे बर्थडे में क्यों पहना दिया, बट ठीक है एज इट्स माय बर्थडे सो चलो पहन लेते हैं। ज्यादा पार्टी और डे और मेरे कुछ नहीं है, मेरा सबसे बड़ा पार्टी डे मेरे बेटे का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कभी कभी क्या बोलते हैं, कितना मेच्योर कितना ओवर थिंक करने वाला जो बंदा ठीक है, वो भी नॉस्टैल्जिया वाले जो लूप है ठीक है उसमें फंस जाता है अगर वो मम्मी के साथ इंटरेक्ट करता है। सो सेकेंडली थैंक यू सो मच सासू माँ, वो जो अंडे वाली जो का है वो अंडे वाली थी उसमें 14 खाने हैं, तो 14 अंडे सो ये इसलिए अंडे को बॉईल करने वाली जो एग बॉयलर की जो आपने दी है, जो भी है ये मशीन है, गिफ्ट है ठीक है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें 14 खांचे हैं, एक ही बार हम 14 अंडे बॉईल कर सकते हैं। सो दो पहर के लिए 7 अंडे, एक पहर दूसरे पहर में 7 अंडे और 12 तेल दो हमारे लिए,
एंड लास्टली थैंक यू सो मच प्रिया फॉर दिस ब्यूटीफुल कोलाज. ठीक है, कुछ 6-7 महीने जो हमारी शादी के हुए हैं, ठीक है, उसमें जो भी हमने जहाँ भी विजिट करा है, जो भी प्लेसेस विजिट करे, चाहे वो घर हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो कोई भी कंसर्ट हो, सो उसकी एक एक फ़ोटो डालने के लिए थैंक यू सो मच. दिस रियली मीन्स अ लॉट. अभी बज रहे हैं सुबह के 8. सबसे पहले अभी कुर्ता पहन ही लिया है, ये भी तैयार हो गई है. सो अभी जाएंगे सबसे पहले मंदिर, थोड़ा मत्था वत्था टेकेंगे और अपने यूट्यूब चैनल की भी प्रार्थना करेंगे थोड़ा ग्रो हो जाए. ठीक है, वो थोड़ा आप पे भी डिपेंड करता है यार, थोड़ा वीडियो शेयर करो. बाकी आप सबका आशीर्वाद चाहिए. ठीक है, आशीर्वाद ऐसा नहीं कि आप दुआ दे रहे कि हे भगवान का यूट्यूब चल जाए. आशीर्वाद उस रूम में कि वो जो नीचे वाला जो रेड बटन है, ठीक है, उसको टैप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, तुरंत के तुरंत. ठीक है, ताकि हमारा यूट्यूब भी थोड़ा ग्रो हो जाए. तो गाइस मस्त स्कूटी चल रही है, हेलमेट भी नहीं पहना है, बहुत ही बुरी बात है. बट कुछ ऐसा है कि आगे की रोड खाली है, आपको पता लग गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ट्रैफिक पास होता जा रहा है. बट क्या है ना, इसमें बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा हूँ. ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है. ठीक है, बहुत फालतू का क्लिप है, बट स्टिल इसे मैं डालूंगा पक्का. ठीक है, सो सॉरी अबाउट दैट, मुझे झेलने के लिए 10 सेकंड के लिए. भगवान के दर्शन भी हो चुके हैं मंदिर में, थोड़ा मत्था टेका, थोड़ा पूजा अर्चना खत्म हो चुकी है. सो दर्शन हो चुके हैं, मेट्रो के नीचे आ चुके हैं, जो अपने घर का घरेलू मेट्रो से पीछे आप देख सकते हैं बीकानेर वाला स्वीट है. बीकानेर स्वीट में एक बहुत ज़्यादा क्यूट सी डिश है जो कि है राज कचौरी. सो आज बर्थडे है, बर्थडे में कोई भी प्रोटीन रोटीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, क्यों प्रॉपर आज चीट चलेगी. सो इतनी भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं खाने वाले, बस वो राज कचौरी लेंगे, वो एक राज कचौरी भी दो बंदों पर शेयर करेंगे, फिर निकलते हैं. हेलो मैम, जस्ट वन राज कचौरी. मंदिर के बाद अक्सर थोड़ा मीठा खाया जाता है, बट ये है थोड़ा खट्टा मीठा. इसमें थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आने वाला है. इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्टिंग मतलब 5-6 से 7-8 साल हो चुके हैं, मतलब मेरे को जाने में. आई डोंट नो कि राज कचौरी को कितना टाइम हो गया है, बट 5-6 साल से मैं खा रहा हूँ. मैंने राज कचौरी कुछ 70 रुपये में भी खाई है. आज इसकी जो कॉस्ट है 170 रुपीज़ हो गई है, बट यहाँ पर कॉस्ट मैटर नहीं करती, मैटर करता है वही सेम टेस्ट. अगर मैं इस डिश की बात करूँ, ये डिश बहुत ज़्यादा फ्लूडी है. ठीक है, इसमें देखो हल्की सी कुरकुरी है, बाकी ये पूरी की पूरी कर्ड से स्टफिंग है. सो अगर इसको पूरा का पूरा मिक्स करते हैं, इसके अंदर की स्टफिंग आप देख सकते हो. माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये गया सीधा. ओ माय गॉड, बहुत दिनों बाद गया यार, और मज़ा आ गया कदम से. मतलब वही वाला जो टेस्ट है, वही जो चटकारे फूटते हैं ना, मज़े रहते हैं इन चटकारों की. मुझे तो अब आदत नहीं रही गाइस, बट कभी कभार जब ये चीज़ें खाता हूँ ना, तो ऐसा मस्त हो जाता है ना मामला, एक नंबर. थोड़ा सा कहेंगे है ना, बहुत टेस्टी है. इस राज कचौरी के साथ एक ऐसी मेमोरीज है, मतलब अगर मैं हर प्लेस की बात करूँ, हर प्लेस में हर एरिया में चाट वाला होता है जो टिक्की दही वाले ये सब डिस्कस करता है. ठीक है, तो उस टाइम पे भी 40 रुपये प्लेट टिक्की की हुआ करती थी वो स्ट्रीट फूड में. बट एक बार मुझे उस टाइम पे आज से 6-7 साल पहले पता लगा था कि जो राज कचौरी है ये बीकानेर का एक प्रोडक्ट है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक राज कचौरी लेंगे, इसके अंदर की स्टफिंग ऐसी होती है जो दो बंदों को ढेर कर देती है, जैसे टेस्ट ही बनाती है ढेर कर देती है, मतलब अपने में एक मील है. तो उस टाइम की बात, जब पूजा नहीं थी लाइफ में, मम्मी और मैं मार्केट में एरिया में गोलगप्पे टिक्की ये सब प्रेफर नहीं करते थे, हमेशा राज कचौरी लाते 70 रुपये में दो बंदों का. इनफैक्ट अगर कोई सा टेस्ट भी कर रहा है ना, तो उसकी भी आधी भूख मर जाए, इतना टेस्टी होता है. सो यहाँ पे राज कचौरी हो चुकी है पूरी डन, मस्त गई एक ही प्लेट में दोनों का हो गया. ज़्यादा पेट नहीं भरा, ज़्यादा चीज़ों में नहीं देखा, क्योंकि अगर आप बीकानेर जाते हैं इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दिखती है, बट मैंने वहाँ पर अपना मन नहीं डोलने दिया. तो ईमान सही में डगमगा गया था. अभी जैसे ही निकले तो जैसे ही एग्जिट कर रहे थे, वहाँ पे डिजर्ट में नज़र पड़ गई, तो ये चो ये हमारा बर्थडे है, छोटा सा केक इनके लिए, इसको थोड़ा सा खाएंगे. छोटा सा बर्थडे सुबह ही बन गया. आज प्रॉपर चेट हो गई यार.
है ना. यह मिलीशियस वो होए यार, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता. कितना टेस्टी है. कुछ ये भी ले ले, ये भी ले ले. दो इत्तेफाक हुए. पहला इत्तेफाक जो मेरा बर्थडे था, ठीक है, वो मंगलवार को पड़ा, ट्यूसडे को पड़ा. दूसरा इत्तेफाक ये था कि मम्मी साथ में है और आज जो कॉस्ट्यूम है, आज मंगलवार है, सो अभी तुरंत यू नो सुबह के टाइम पे तो चाहे मंगलवार हो चाहे बुधवार हो चाहे सोमवार हो, मंदिर तो मैं जाता ही था, बट आज दो बार मंदिर के दर्शन हो गए क्योंकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, ठीक है, तो वहाँ अभी मैं पूजा को नहीं ला सकता, तो अभी तो मैं अंजना माई के साथ हूँ. बजरंगी आज मैं अंजना माई के साथ फिर रूममेट के साथ आई हूँ. बिल्कुल, बजरंगबली का तो मतलब जो भी मान्यता है वो बाल ब्रह्मचारी थे, तो मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं आया, मैं अपनी अंजना माई के साथ आया. So, मुझे अंजना माई बना दे, बजरंगी का मैचिंग भी पहन रखा है. बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाते हैं. डराते दिखा दिया, अगर अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाइयो. आप नहीं डरना, ठीक है, क्योंकि भैया ने बर्थडे केक खाने के लिए टुक टुक को बुलाया ना. कैसे देख रही है. और देखो बाबू भी आए, देखो बाबू तू भी आ जा घर के पास, बंगाल से उधर वहाँ बैठ जा बाबू भी. यार वो ले पटाखों की आवाज कब आएगी. बर्थडे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई. एक और डॉल आई है देखो. थैंक यू सो मच. अरे सुवरु दोनों. अच्छा अच्छा एक सेकंड, सुवरु सॉरी. आज बेटे जरा आज भी जरा आज जरा आज आज बेटे आओ आओ तुम ही हटे इनको ब्लॉग में लेना दोनों को. हां जो बेटा आज 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. Happy birthday to your uncle. Happy birthday to you. चलो का तो पोज देखो, टुक 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 का तो पोज देखो, वो तो स्टैचू हो गई है. उसको फोटो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे कैसे भी जज करे. अभी भी मतलब कितना भी नए जमाने का सेलिब्रेशन हो जाए, कितनी भी आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लो, ये वाला जो सेलिब्रेशन होता है जो स्टार्टिंग में हम मिस किया करते थे, जो स्टार्टिंग में जो एक्साइटमेंट रहती थी कि शाम को बर्थडे आएगा, ठीक है शाम को बर्थडे मनाएंगे. सो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या जज करे, मैं इतनी एज का हो गया और अभी भी बच्चों को इन्वाइट कर रहा हूँ. सो दिस इज़ वन ऑफ द क्यूटेस्ट थिंग. मतलब ये मम्मी का आइडिया था, अगेन मैं किसी का क्रेडिट नहीं छीनता, ये मम्मी ने बोलो. कभी भी अपना चाइल्डहुड नहीं भूलना चाहिए, अपना बचपन इंसान को हमेशा जिंदा रखना चाहिए बच्चों के रूप में, जैसे बच्चे हमें, कभी हम भी बच्चे थे, हमेशा अपना बचपन याद रखना चाहिए. कि सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, मैं उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता, बट अगर आपके अंदर, ठीक है, बहुत स्टबननेस है, आप बहुत ठोस हो, आप बहुत रिजिड हो, ठीक है, आप अपने थॉट्स को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कठोर हो, तो अभी सामने वाली जो बंदी है, सामने वाला बंदा है, ठीक है, उसको भी यही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. तो इसीलिए ये जो केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. अपने अंदर का बचपना जो होता है उसको भी बचा के रखिए, हर चीज़ बचा के रखिए. मेरा तो बस यही है, मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, लोग जो भी मेरे सराउंडिंग में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे लाइक करते हैं, मेरा जो भी बिहेवियर, चाहे वो बच्चों वाला बिहेवियर, चाहे वो कैसे बिहेवियर हो, तो बच्चों को देख के तो एक अलग खुशी मिलती है. बच्चों के बिना कोई सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं हो सकता. हाय कर दो, हाय कर दो बच्चों, सब हाय कर दो, हैप्पी बर्थडे बोल दो यार, विश तो कर दो मुझे यार, कैसे बच्चे हो तुम. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलो. क्या नाम है मेरा, नाम क्या है मेरा. अंकित भैया बोलो. क्या बोला है मेरा, नाम क्या है मेरा. अंकित भैया है, अंकित भैया नाम है मेरा. किसका बर्थडे है. हाँ तो दोबारा बोल दो, एक बार बोल दो दोबारा, क्या है, क्या बोलोगे. हैप्पी बर्थडे अंकित भैया, बोल दो दोबारा एक बार.
हैप्पी बर्थडे अंकित भैया। ये बच्चों की इसी मुस्कान से हम करते हैं ये वाले व्लॉग का एंड। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया प्लीज गो एंड लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब भी कर लेना, कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखने की कर्टेसी तो दिखाई देना भाई। बाय।